इब्राहिम जादरान ने जब मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू अफगान्स हु वेर फोर्सफुली बींग सेंट बैक फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। यानी मैं ये अवार्ड उन अफगानियों को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें जोर जबरदस्ती पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया, और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बड़ा था। कल के मैच में दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। पाकिस्तान में तो छाती पीटने लग गए। पाकिस्तानी बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने 50 लाख अफगानियों को बैठा के खाना खिलाया। पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, क्या पश्तून गैरतमंद कौम है? मुझे लगता है। क्या वो एक बहादुर कौम है? मुझे लगता है। क्या पश्तून एहसान का बदला फरेब से देता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सोचिए कि इतनी नफरत क्यों? सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, छोड़िए क्रिकेट का मैच, हार जीत होती रहती है। कभी ये सोचिएगा कि इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं पश्तून पाकिस्तानियों से। सामनिक्रम कल का दिन क्रिकेट पाकिस्तान की तारीख का एक तो वो बैटिंग पिच होती है, जब वो बैटिंग करते हैं फिर वो बॉलिंग पिच होती है, और जब वो फील्डिंग करते हैं फिर वो किसी की ग्राउंड ही नहीं होता, वो अजीब सा ही होता है। तो पाकिस्तानियों की आदत है बहाने बनाना, हर चीज में झूठ बोलना, हर चीज में बहाने बनाना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अफगानिस्तान जीता या पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं, और मैं चाहता हूं पाकिस्तानी ये वीडियो ध्यान से सुने, ये वीडियो आपके लिए है। कभी सोचा है कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, और ऐसा कई बार, एक नहीं दसियों बार हो चुका है, स्टेडियम में लड़ाई हो गई अफगान और पाकिस्तानियों के बीच में, देख जूता लात मुक्के डंडे कुर्सियां फेंक रहे हैं एक दूसरे की, ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है? पाकिस्तानी बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने 50 लाख अफगानियों को बैठा के खाना खिलाया। ये कहते हैं कई पाकिस्तानी, मुझे कह चुके हैं, अरे मेजर साहब हमने तो उनको बैठा के खिलाया, ऐसा कहते हैं। आप एक बात बताइए, जो पश्तून हैं, और क्योंकि अफगानिस्तान में पश्तून बहुत हैं और भी कौमें हैं, ऐसी बात